लॉकडाउन की वजह से गरीब प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं। ट्रेन व या बस सेवा न मिलने के कारण पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। ज्यादातर प्रवासी मजदूर यूपी बिहार से आते हैं और सबसे ज्यादा इन दोनों प्रवासी मजदूरों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को भी लेकर कई लोगों ने उंगली उठाई है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है प्रवासी मजदूरों को लेकर। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को उनके घर तक मुफ्त पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने ट्रेन व बस की व्यवस्था की है। यूपी में रोज 2 लाख लोग आ रहे हैं, सभी प्रवासियों का यूपी में स्वागत है। परिवार व अपने हितों के लिए कोई भी पैदल या अवैध सुरक्षित वाहनों से यात्रा ना करे, इसके बारे में सभी को जागरूक भी किया जाए। जानकारी के लिए बताना चाहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 11 के साथ बताया कि प्रदेश में अब तक 8338 श्रमिक एक्सप्रेस से 14 लाख से अधिक लोगों को लाया गया है। अगले 2 दिनों में 206 ट्रेन और आएंगी। इस प्रकार करीब 1044 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि मंडलायुक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वालों को बसों से उनके गृह जिले में भेजने की नियमित जानकारी लें। राज्य सड़क परिवहन निगम की 12,000 बसें ऐसे लोगों को उनके गृह जिले तक पहुंचा रही हैं। हरियाणा व राजस्थान से 400 बसें श्रमिकों को लेकर आई हैं। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये गरीब मजदूर देश के कोने कोने में अपना गुजारा बसर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में कामगार ठप होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी के लिए रोजगार व कार्य योजना बनाए हैं। प्रवासी कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और कृषि उत्पादन आयुक्त को कार्य योजना तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। मनरेगा, ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी दुग्ध समितियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और स्कूल कॉलेजों में रोजगार की संभावनाएं अब देखने को मिल सकती हैं। प्रवासी कामगारों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए इनकी दक्षता की जानकारी ली जाएगी और इनकी स्किल मैपिंग भी जारी रखा जाएगा।